नहीं तो फिरोज भाई, ये जो हमको लग रहा है कि अब जो रिफ्ट है ये वही गैंग है जो अभी तक ग्लोबल एजेंडा चला रहा है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को एड्रेस एलन मस्क ने भी किया है, लेकिन एलन मस्क ने वेहेमेंटली रिजेक्ट किया है इस आइडिया को कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो आइडिया है ये बिल्कुल गलत है और ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भाई आप देखिए कि एक देश में या छोटे छोटे राज्यों के डिमांड हो रहे हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र जो है उसमें इतना बड़ा स्टेट है जिसमें विदर्भ की डिमांड आज सैकड़ों 100 वर्ष तो हो गए, विदर्भ के सही डिमांड को बात। 100 वर्ष से ज्यादा हो गए और वो डिमांड चल रहा है। छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ, उत्तराखंड यूपी बन में, गया, यूपी में, यूपी में चार चार पांच उत्तराखंड स्टेट बन की गया। संभावना है। तो एक तरफ तो ये चल रहा है कि नहीं, हम अगर छोटा यूनिट बनाएंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, लोगों को खुशी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हम उसके लिए ज्यादा देख रेख करेंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि सारे गवर्नमेंट को, सोवरेन गवर्नमेंट को ही सीज कर लो और वर्ल्ड गवर्नमेंट में आ जाओ। जी नहीं, यू आर राइट, यू आर राइट। और वो तभी होगा कि दे आर स्प्रेडिंग केओस। आज आप देखे हो कि यूक्रेन को लेकर बात सीधी की सीधी न्यूक्लियर स्ट्राइक की आ रही है, ठीक है। उसके पीछे पुतिन जो पीछे हटे हैं, इनफैक्ट 1 साल अभी यूक्रेन के वॉर को होने जा रहा है। ये वॉर तो वैसे 2014 में शुरू हुई थी, उस पर कार्यक्रम कीजिए, मैं कुछ गेस्ट आता हूँ हमारे रशिया वगैरह के। सो द पॉइंट इज के फाइनली पुतिन को बोलना पड़ा, क्योंकि आप हमारे सभी मिसाइल ट्रीटी से आप पीछे हट गए, तो अभी यू यू विल नॉट बी एबल टू मॉनिटर माई मिलिट्री न्यूक्लियर बेसिस, मैं भी पीछे हट रहा हूँ। तो कौन कहाँ से न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एलिमेंट्स है ना, ये ग्लोबलिस्ट है। जैसे आप जेम्स बॉन्ड पिक्चर में देखते हैं कि एक स्पेक्टर करके एक संगठन है जो सरकारों को आपस में लड़ा सकता है, तो एक कौन सा खिलाड़ी है जो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करवा देगा और बाद में एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ पूरी दुनिया झोंक देगा। ये हम लोग सब इस कतार पे खड़े हैं। तो एक जगह पे ग्लोबल वार्मिंग पे नाम से अर्थक्वेक्स, फ्लड, सुनामीज, एक जगह पे वॉर्स, एक जगह पे न्यूक्लियर थ्रेट, एक जगह पे वैक्सीन से और कोविड से और मारो, तो ये और ये मतलब पूरे केओटिक सिचुएशन आज दुनिया में बना दिया है। उस केओ से हमको अपना रास्ता ढूंढना होगा। मल्टीपल जो आइडिया वो चाहते हैं कि इस क्योस में चक्र बनाना चाहते हैं, दो चक्र बनाना चाहते हैं, उसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन को फंसाना चाहते हैं। अब सवाल जी है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करने वाले पॉलिटिशियन है फिरोज भाई, वो क्या उनके सागिर्द बन गए हैं? क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है? हमारे देश के ही प्रधानमंत्री को लीजिए, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है? पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से अपने आप को सरेंडर किया अमेरिका के सामने और चाइना के सामने, आज की स्थिति में पाकिस्तान की हालत श्रीलंका से बदतर होने जा रही है। तो क्या यह बात उन देशों से भारत को नहीं सीखना चाहिए जो 2011 तक जीरो डेट कंट्री थी? हालांकि वो छोटी कंट्री थी, चलिए हम उसको एग्जाम्पल नहीं ले सकते, लेकिन हम एक एक चावल चावल को नापने के लिए, समझने के लिए कि पका है कि नहीं, एक दो चावल ही देखते हैं आप। तो क्या हमको भारत को सीख नहीं लेनी चाहिए? और बाकी जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, क्या उनकी ग्लोबलिस्ट पावर से मिलीभगत हो गई है या वो स्वयं में एक ग्लोबलिस्ट हैं? देखिए ये मुश्किल है जानना, मगर मेरी जो समझ बन पा रही है कि एक लड़ाई तो चल रही है ये पूरे ग्लोबलिस्ट कबाल के खिलाफ। एक जगह है जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका के इर्द गिर्द बनाने की बात है, मगर यूक्रेन के बाद जो बात पुतिन बोल रहे हैं, मगर लोग पुतिन को भी ग्लोबलिस्ट का हिस्सा मानते हैं, मगर ईरान बोलिए या रशिया बोलिए, चीन मेरे लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कुछ चीजें चीन में ऐसी हो रही जो एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर वो बोल रहे कि दुनिया इंटरनेशनल लॉ पे चले, मल्टीलैटरलिज्म पे चले, कोएग्जिस्टेंस पे चले, लेन देन पे चले। वो रशिया और ईरान तो क्लियर बोल रहा है, चीन भी कुछ हद तक बोल रहा है, तो वो एक लड़ाई है। भारत किधर है? भारत अभी दोनों साइड पे खड़ा है, मगर इतना है कि जो ऊपर के लोग हैं उनको सबको पता है दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, वो झूम भी रहे उस चीजों से। द पॉइंट इज के इंडिया किधर खड़ा है ये टाइम पे, क्योंकि खींचने की पूरी कोशिश हो रही है बाय द वेस्ट के इंडिया रशिया के साइड, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो पोजीशन लिया है, मोदी जी के लेकर मेरे बहुत सारे दूसरे सवाल है, मगर ये टाइम पे आई थिंक मोदी हैज टेकन द राइट डिसीजन इंक्लूडिंग जयशंकर ऑफ स्टैंडिंग इन रशिया ऑन द यूक्रेनियन इशू। ओके
जहां तक पाकिस्तान की बात है, हमको क्या सीखना है वहां से, धार्मिक कट्टरवाद और एक वॉर इकोनॉमी देश को नहीं चला पाएगा।